हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बताया गया कि आईआईटी बॉम्बे के 36% छात्रों को इस साल प्लेसमेंट नहीं मिला। 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 48000 से ज्यादा अभ्यर्थी। About 45% of Indians under the age of 25 are unemployed. इंडिया में जॉब्स की कमी है और ये मैं नहीं बल्कि कई रिपोर्ट्स का कहना है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई चल रहा है। हर साल इंडिया में लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कॉलेज के लिए एनरोल करते हैं और लगभग 95 लाख स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट भी होते हैं। अगर आप सोचो तो ये नंबर एक्चुअली में कई कंट्रीज की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। कैन यू इमेजिन? बट एक प्रॉब्लम है, इंडिया में वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.1% चल रहा है जो बेसिकली रिपोर्ट्स का कहना है, बट ये भी पूरी तरह सच नहीं है क्योंकि कुछ का मानना है कि एक्चुअल नंबर्स इससे भी कहीं ज्यादा हैं और वो दिखता भी है। बट स्टिल अगर 8.1% भी है तो भी ये एक प्रॉब्लम की बात है। इसमें भी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सारे अनएम्प्लॉयड लोगों में से 80% यूथ है, यानी हमारे युवा। हर 10 में से 8 लोग जो बेरोजगार हैं वो 25 से कम की एज के हैं और अगर ग्रेजुएट्स की बात करें तो उनमें भी 29% ग्रेजुएट्स जॉबलेस हैं। और पता है जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते उनमें अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? 3.4%। यानी अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपके ज्यादा चांसेस हैं जॉबलेस होने के। ग्रेजुएट्स यानी पढ़े लिखे लोग इलिटरेट लोगों से भी ज्यादा अनएम्प्लॉयड है। और ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं कि जो 25 से कम की एज के हैं उनमें 42% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि इंडिया की जहां एक तरफ तारीफ हो रही है जीडीपी ग्रोथ को लेकर जो 2023 में 8.2% थी और कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो स्टिल इंडिया में 80% यूथ अनएम्प्लॉयड क्यों है और जॉब्स क्रिएट क्यों नहीं हो पा रही है जब इतना विकास हो ही रहा है? इसके पीछे मेनली 3 ही रीजन है। पॉपुलेशन दैट लीड्स टू द कॉम्पिटिशन। जैसे कि मैंने कहा, इंडिया में करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, नियरली 1 करोड़ स्टूडेंट्स हर साल ग्रेजुएट भी हो रहे हैं, यानी हर साल इंडिया में 1 करोड़ से भी ज्यादा जॉब्स प्रोड्यूस करने जरूरत है अनएम्प्लॉयमेंट को रोकने के लिए। बट एक्चुअल में हो कितनी रही है? बहुत कम। हर गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे, बट सबको पता है कि सिचुएशन हर साल खराब होती जाती है। इंडिया में जितनी स्पीड से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उतनी स्पीड से ज्यादा लोग जॉब सेक्टर में जॉब ढूंढ रहे हैं और उतना ही कॉम्पिटिशन हाई होता जा रहा है। एक तरफ सरकारी नौकरी का क्रेज जिसमें कुछ पोस्ट के लिए लाखों में लोग अप्लाई कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट सालों बर्बाद कर रहे हैं ताकि एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब मिल सके। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। कितने साल के थे उस समय? हम एक की मतलब कि 19 साल के थे और अभी तो 27 साल हो रहा है। का लास्ट ऑप्शन वही है, सरकारी नौकरी, और नहीं तो हम लोग मतलब बस सोच लीजिए कि भीख जैसे मांगता है कटोरा लेकर, उस माफी कम लोग हैं। बट एक्चुअल में ये गवर्नमेंट जॉब मिलती कितने लोगों को है? 1 या 2% को, और कई बार तो पेपर लीक जैसी घटनाएं तो होती रहती है। और प्राइवेट सेक्टर जिसे गवर्नमेंट सेक्टर को ओवरटेक करना चाहिए था वो भी कुछ इतना अच्छा नहीं है। यहाँ भी एक एक पोस्ट के लिए कई लोग इंटरव्यूज के लिए तैयार बैठे हैं, वॉक इन इंटरव्यूज के लिए लाइंस की लाइंस लग रखी है, चाहे वो बैंगलोर में हो, हैदराबाद में हो, दिल्ली में हो। और वैसे जिनको जॉब मिलती भी है वो भी कुछ खास खुश नहीं है। इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करना मतलब डिप्रेसिंग काम करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज ओवर वर्क करते हैं और स्टिल अंडरपेड भी होते हैं। ये होता है कॉम्पिटिशन की वजह से, क्योंकि कंपनी को पता है कि पीछे हजारों लोग खड़े हैं सेम जॉब के लिए, तो ऐसे में एम्प्लॉय भी कुछ नहीं कर पाता और उसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम करता रहता है। इसीलिए कई लोग 12-12 घंटे की जॉब्स भी कर रहे हैं जस्ट टू सर्वाइव। कई लोग बेटर लाइफ वर्क के लिए इंडिया छोड़कर भी चले जाते हैं। अगर आप देखोगे तो जिन डेवलप कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है या स्लोली ग्रो करती है वहाँ जॉब सिक्योरिटी कहीं ज्यादा बेटर होती है और कॉम्पिटिशन भी वहाँ इतना नहीं होता है। लोगों को जॉब्स मिलती है और उन्हें स्किल्स सिखाई भी जाती है। तो अब अगर आप सोचो कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पर ऑलरेडी हजारों लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी क्या चांसेस है कि आपको जॉब मिली जाएगी? दूसरा मेन रीजन है सोसाइटी अनलिमिटेड करियर ऑप्शंस। इंडिया में गिन चुन के 8-10 ही करियर ऑप्शंस हैं। ऐसा सोसाइटी स्टूडेंट्स को फील करवाती है। अगर आप एक नॉर्मल फैमिली को भी देखोगे तो वो अपने बच्चों पे बहुत प्रेशर बनाते हैं और या उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ये कर ले वो कर ले, बट लिमिटेड चॉइसेस, IIT की तैयारी कर ले, नीट की तैयारी कर ले या गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर ले। तो या तो कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट या इंजीनियरिंग, डॉक्टर या MBA, इससे ज्यादा ऑप्शन पेरेंट देना ही नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग सिर्फ इन्हीं चीजों में अच्छा करियर बन सकता है। बट ऐसा कम्प्लीटली सही नहीं है। करियर्स के हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस हो सकते हैं और कई स्टूडेंट्स की खुद की भी कुछ चॉइसेस होती है जो पेरेंट्स को कभी बताते नहीं है क्योंकि वो कभी समझते ही नहीं है, और फिर पेरेंट्स के कहने पर इन एग्जाम की तैयारी करने में लग जाते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के, और बिना इंटरेस्ट की पढ़ाई कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। और जॉब्स के लिए सबसे अच्छा है कि इकोनॉमी में बिजनेसेस बढ़े, क्योंकि जितने ज्यादा बिजनेसेस होंगे उतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी, ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करने का ट्राई करें। बट
इंडियन सोसाइटी डिफरेंट है, यहाँ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इवन अगर आप एक एवरेज इंडियन फैमिली की तरह सोचोगे या उनके आइडियोलॉजी को समझोगे, वो कभी अपने बच्चों को सजेस्ट नहीं करेंगे कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में रिस्क होता है, वो चल भी सकता है और नहीं भी। तो ये डर कई लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने ही नहीं देता। और क्योंकि इंडिया में पेरेंट्स का स्टूडेंट की लाइफ में काफी इंटरफेयर होता है, तो स्टूडेंट या यूथ भी बिजनेस करने का ट्राई ही नहीं करते और उन्हें डर लगने लग जाता है, जो कि अगेन जॉब्स प्रोड्यूस होने के चांसेस को घटा देता है। और इसके लिए गवर्नमेंट को भी काफी काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों को बिजनेस करना आसान लगे, ब्यूरोक्रेसी कम से कम हो, टैक्स रेट भी है जो वो कम से कम रखे जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोड्यूस हो पाए। थर्ड मेन रीजन है अंडर स्किल्ड और एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में एजुकेशन सिस्टम खराब है, ये बर्बाद हो चुका है, ये सबको पता है। इस पर कई स्टूडेंट्स की कंप्लेंट है। बेसिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी पीछे है स्टूडेंट्स को स्किल सिखाने के मामले में। ये सिस्टम सिर्फ पढ़ाई फिनिश करने पर फोकस करता है, ना कि नॉलेज बिल्ड करने पर। इसलिए जो मोस्टली टॉप कंपनीज है वो IITs या IIM जैसे कॉलेजेस से ही स्टूडेंट्स को चूज करना प्रीफर करती है, क्योंकि इंडिया में बहुत कम ही ऐसे कॉलेजेस हैं जो करंट टाइम के हिसाब से टीचिंग पर फोकस करते हैं। और इन सब की वजह से जो लोग ग्रेजुएट हुए हैं वो सिर्फ डिग्री के भरोसे जॉब ढूंढने लग जाते हैं। लगभग 80% इंजीनियर्स स्टिल अनएम्प्लॉयबल हैं। ये स्किल्स मोस्ट ऑफ द कॉलेज में सिखाई नहीं जाती और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कॉलेज के भरोसे ही सीखते हैं, खुद से कभी ट्राई नहीं करते। और जब वो जॉब्स के लिए जाते हैं तो उन्हें जाके पता लगता है जो नॉलेज एक्चुअल में वो कंपनी के लिए चाहिए, जो वैल्यूएबल है, वो तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं। जैसे कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टोटल अनएम्प्लॉयड में से 80% यूथ जो अनएम्प्लॉयड है, उसमें से भी 75% को मेल के साथ अटैचमेंट भेजना जैसे बेसिक टास्क ही नहीं आते, और 60% लोगों को कॉपी पेस्ट जैसी चीजें ही नहीं आती, 90% को स्प्रेडशीट के लिए मैथमेटिकल फॉर्मुलास ही नहीं आते। और कंपनीज कैसे अनस्किल्ड लोगों को हायर करेगी? ये सारे बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, एक्चुअल में कई कंपनीज के भी यही स्टेटमेंट्स हैं। उन्हें स्किल्ड एम्प्लॉयज मिल ही नहीं रहे, क्योंकि आउटडेटेड कोर्सेज से करंट सिचुएशंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता और यूथ में स्किल्स की बहुत कमी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सच में जॉब नहीं मिलेगी, बट आपको बेटर बनना होगा। पहले कई करियर्स के पीछे अंधाधुंध मत भागो, टाइम लेकर सोचो कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। पर्सनली आई वुड से गवर्नमेंट एग्जाम्स के चक्कर में मत पड़ना, कॉम्पिटिशन, पेपर लीक्स और ऑलमोस्ट ना के बराबर वैकेंसीज की वजह से आपका करियर अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। वह तो स्टेबल जॉब्स, वरना कुछ नहीं। बेटर है सेल्फ एम्प्लॉयड बनने की कोशिश करो, या फ्रीलांस, आर्टिस्ट, कॉर्पोरेट जॉब देखो, जिनके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो सीखने में टाइम दो। और बहुत सारे करियर्स के पीछे मत भागो, एक बार ही कुछ साल तक काम करो पूरे डेडिकेशन के साथ, पर अपनी इनकम को उस फील्ड में और इंक्रीज करने के प्लान्स पर काम करते रहो। क्योंकि आप ना ही मार्केट कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही एजुकेशन सिस्टम चेंज कर सकते हो। आप खुद के लिए सही रोड मैप बना सकते हो, जो आपको मुश्किल तो लगेगा पर पक्का एक टाइम पर सही फायदा देगा।